Francis! हेलो गाइस, वेलकम टू टाइम्स अप नाउ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आसुस का लेटेस्ट अप टू डेट है, जिसमें वोल्टी का बग फिक्स है। और वोल्टी जिनके जिनके फ़ोन में वोल्टी नहीं आया था ज़ेनफोन 2 लेज़र में, उनके फ़ोन के लिए जो अप टू डेट आया था, बहुत लोगों का प्रॉब्लम हो रहा है वो अप टू डेट करने में। वो अप टू डेट बहुत के फ़ोन में इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है, चाहे वो ऑटोमेटिकली हो चाहे मैनुअली हो। मैंने प्रीवियसली एक वीडियो अपलोड किया अपने चैनल में, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे उसको आसुस के साइट से फ्रेमवेयर डाउनलोड करना है और उसको एसडी कार्ड में रख के और कैसे उसको फ्लैश करना है। तो उस प्रोसेस में बहुत किसी का आ रहा था इंस्टॉलेशन एबॉर्टेड, मतलब वो सेटअप नहीं कंप्लीट हो रहा था, और वो नहीं कंप्लीट हो पाने के चलते वो अप टू डेट नहीं ले रहा था। तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो जो वर्सन था, वो वर्सन ये है जो मेरे फ़ोन में अप टू डेट हो चुका है। तो जिनको जिनको वो प्रॉब्लम हो रहा था, जो जो वो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, इस वीडियो को लास्ट तक देखें, उनका सॉल्यूशन आई होप कि हो जाए। क्योंकि इस प्रोसेस से एक फ्रेंड के फ़ोन में मैंने किया, तो उसके फ़ोन में ये हो गया, और सर्विस जो आसुस का सर्विस सेंटर है वहाँ पर भी यही सजेशन दिया जा रहा है कि जिनका जिनका नहीं हो रहा है तो वो यही प्रोसेस अपना के और कर सकते हैं। आपको रिकवरी मोड में जाके हार्ड रीसेट करना है फ़ोन को, और वाइप कैचिंग, जो वाइप कैच पार्टीशन है वो मारना है। ये दोनों चीज़ करने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे वो करना है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि कैसे करके आपको हार्ड रीसेट करना है और वाइप कैचिंग करना है, तो पहले फ़ोन को स्विच ऑफ करेंगे पावर बटन से। पहले रिकवरी मोड में घुसना है, जैसे ही स्विच ऑफ हो जाएगा वॉल्यूम डाउन और पावर बटन दबा के रिकवरी मोड में जाना है। ये स्टेप को फॉलो करने के बाद बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, मतलब जिसका भी अप टू डेट नहीं ले रहा था। वॉल्यूम डाउन, पावर बटन दबा के रखना है, वाइब्रेट हो गया पावर बटन छोड़ देंगे। ये रहा रिकवरी मोड। तो देखिए यहाँ पे ये रहा वाइप डेटा फैक्ट्री रिसेट, इसमें जाके वॉल्यूम डाउन बटन अप से हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब पावर बटन से सेलेक्ट करना है, कर दिया, यस करना है। यस करते ही सारा डेटा आपका इरेज हो जाएगा। मुझे नहीं करना है, मैं बस आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, इसीलिए आपको ये शो कर दे रहा है। यहाँ पे से जैसे ही वाइप कैच हो जाएगा, यहाँ पे कैच पार्टीशन भी मार देना है, यहाँ पे पावर बटन दबाना है और यस कर देना है। ये दोनों जब हो जाएगा तब जाके आपके फ़ोन को आप रीबूट कर दीजिएगा। रीबूट होने के बाद आपके फ़ोन में जो अप टू डेट का मैंने प्रोसेस बताया था प्रीवियसली, कि एसडी कार्ड में रख के तब जाके वो प्रोसेस कीजिएगा जिसका भी इंस्टॉलेशन एम्पोर्टेड आ रहा था, वो ठीक हो जाएगा और वो वोल्टी का अप टू डेट सक्सेसफुली ले लेगा और आपके फ़ोन में वोल्टी आ जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।